सुना रहीम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और Facebook पे लीगल इगल्स। बात करेंगे सारा कत्ल केस की, जो इस्लामाबाद के अंदर आज से 3 रोज कबल एक दर्दनाक किस्म का कत्ल किया गया। याज मीर के साहबजादे शाहनवाज के हाथों कत्ल होने वाली सारा के मुकदमे में आज के दिन काफी सारी डेवलपमेंट्स थी। आज के दिन शाहनवाज की वालदा समीना शाह ने भी अपनी जमानत ली। हमने आप लोगों को बताया 3 रोज के लिए उसको अबूरी जमानत मिल चुकी है। उसके अलावा याज मीर जो वालिद हैं और सीनियर साफी हैं, रेनाउंड साफी हैं पाकिस्तान के, इससे कबल पाकिस्तान के सियासतदान भी रह चुके हैं, उनको भी इस मुकदमे में एक ही दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अदालत में वारंट गिरफ्तारी की इजाजत मिली थी, वारंट इशू हुए थे अदालत की तरफ से याज अमीर और उनकी अहलिया के, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी अहलिया बचने में कामयाब हो गई और उन्होंने आज के दिन में जमानत भी ले ली। हमारे साथ साकिब भाई हैं, साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर साफी हैं इस्लामाबाद से, और आज के दिन उस समात के अंदर ये मौजूद थे जब याज अमीर उनके साहबजादे को, जो कातिल हैं शाहनवाज उनको, और उसके अलावा जब समीना शाह ने भी अपनी जमानत के लिए अदालत से रुजू किया, तो ये उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। इनसे जानेंगे आज के तमाम अहवाल, जो इस समाज से मुतल्लिक जितनी भी गैर मामूली किस्म की चीजें थी वो इनसे जानेंगे। साकिब भाई ये बताइएगा आज के दिन की जो समाज थी उसके मुतल्लिक बताइएगा, फिर हमारे एक दो सवाल हैं आपके वक्त के साथ, कीमती वक्त को थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे, उन सवाल के बारे में बताइएगा। पहले आज की समाज का अहवाल बताइएगा, आज अदालत में क्या हुआ, बड़ी दिलचस्प किस्म की समात रही है। जी जट साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी है वो ये थी कि बाप बेटा उन दोनों को पहली दफा जो इकट्ठे पेश किया गया। इससे कबल जो है वो अलग अलग गिरफ्तारी हुई थी, अलग अलग उनकी पेशियां हो रही थी, अलग अलग सारे मामला हो रहे थे, आज उनको इकट्ठे पेश किया गया। उसमें इम्पोर्टेंट चीज उसमें जो मुझे लगी वो ये थी कि जब अयाज अमीर और जो शाहनवाज है इन दोनों को गाड़ी से उतारा पुलिस ने, तो पुलिस गाड़ी से उतार कर ले गई कमरे अदालत में। तो कमरे अदालत में जो शाहनवाज एक लम्हा आया कि वो आगे हो गए और अयाज अमीर पीछे रह गए, तो वो बेटा है तो वालिद है, तो फिर उसने शाहनवाज ने फिर वो पीछे हो गया और अपने वालिद को आगे जगह दी। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शाहनवाज जो है उसका अभी तक कोई वकील नहीं है। पिछली दफा जो वकील पेश हुआ था उसके हवाले से भी ये खबरें हैं कि वो वकील भी बगैर वकालतनामे के और वैसे ही खड़ा हो गया, और उसके बाद जो है वो मतलब आज की हद तक जो है उसका कोई वकील नहीं था। जो अयाज अमीर है वो पिछली समात में उन्होंने ये कहा था कि ये बड़ा मतलब बहिमाना जो है वो कत्ल और जो मैं तो बिल्कुल अपने बेटे को डिफेंड नहीं करूंगा, और मेरी कुछ सोर्सेस से भी बात हुई है तो वो भी कहते हैं कि विद इन फैमिली भी जो अयाज अमीर है उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा है कि किसी भी जगह पे अपने बेटे को वो डिफेंड नहीं करेंगे। अगरचे कुछ फैमिली मेम्बरान चाह रहे थे कि किसी ना किसी सतह पर कुछ चीजें चलाई जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने डिफेंड नहीं किया। दूसरी बात तो ये थी कि उनका कोई वकील नहीं था। इसके अलावा जो आज की प्रोसीडिंग थी उसमें फोकस जो है ना वो रहा अयाज अमीर पे। उसकी वजह यह थी कि जो शाहनवाज है उसका तो हमें आइडिया था, पुलिस को भी आइडिया था, अदालत को भी आइडिया था, सबको पता था कि उसका तो फिजिकल रिमांड एक्सटेंड होना ही होना है, 7 रोज का फिजिकल रिमांड मांगा था। अयाज अमीर की हद तक जो है वो था कि क्या फिजिकल रिमांड मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें पुलिस को कुछ और चीज तो अभी तक कोई नहीं मिली। इवन पुलिस जो है वो अयाज अमीर की हद तक ये एडमिट कर रही है कि अयाज अमीर जो है उन्होंने आईजी को कॉल की, अयाज अमीर जो है वो उन्होंने एसएसपी रूरल जो है यहाँ के इस्लामाबाद के उनको कॉल की, अयाज अमीर ने एसएचओ को कॉल की, अयाज अमीर जो है वो है जो एसएचओ को अपने फार्म हाउस जो अलग अलग है कहीं, तो उस फार्म हाउस का रास्ता नहीं पता था एसएचओ को, तो उस फार्म हाउस का रास्ता भी एसएचओ को उन्होंने बताया। तो ये वो चीजें हैं जो पुलिस एडमिट कर रही है, एडमिटेड है। तो पुलिस ने अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी थी कि जो अयाज अमीर है उन्होंने इंकशाफ किया अदालत के सामने कि कल से लेकर आज तक एक लफ्ज जो है वो नहीं पूछा, एक सवाल नहीं पूछा इन्वेस्टिगेशन, मतलब फिजिकल रिमांड होता ही सवाल जवाब के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीकात के लिए, तफ्तीश के लिए होता है, तो उसमें एक लफ्ज पुलिस ने नहीं पूछा, तो वो बड़ा हैरान कौन था। आप बतौर वकील जट साहब बेहतर जानते हैं कि पुलिस ने जब फिजिकल रिमांड से आती है तो पुलिस उस फिजिकल रिमांड की रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है, और अगर उन्हें मजीद फिजिकल रिमांड चाहिए हो तो उसका कोई ना कोई मुद्दा जो है अदालत के सामने रखती है। तो इसमें हमने देखा कि एक तो पुलिस के पास को खास चीज नहीं थी, एक चीज उन्होंने मतलब ये एडमिट करके कि वकूए वाले दिन अयाज अमीर का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है, मतलब इन तमाम स्टेजेस पे,
लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो जो चचा हैं मकतूला के, जो पिंडी में रहते हैं, कर्नल रिटायर्ड हैं, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर ये कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है 3 महीने पहले, जब निकाह हुआ बच्ची का, जो लड़की थी कराची उसका चक्रवाल में, वहां से ये मामला शुरू होता है और वहां से इनका रोल भी स्टेब्लिश होता है, ये जो अयाज अमीर है। और साथ ही पुलिस ने यह कह दिया, जी इस्लामाबाद के जो वकील थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने साथ ही ये कह दिया कि जी वो जो फैमिली है वो भी आज काल में पहुंच रही है और हो सकता है उनके पास भी कोई सबूत हो, कुछ चीजें हो, और वो जो है वो सामने लाएं और हो सकता है उस पे आगे फर्दर जो है वो मामला बढ़े। तो अयाज अमीर जो है उन्होंने, उनके साथ वकला थे जो चकवाल के काफी वकील थे, निसार असगर हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, वो नूर मुकदम के केस में पेश होते रहे हैं, वो भी थे, ये शाखावर साहब के जो उनका चैम्बर है उससे हैं। इसके अलावा वहां से चकवाल बार के सदर सेक्रेटरी थे, चकवाल बार ने आज जो है वो हड़ताल भी की हुई थी याज अमीर के साथ यकजहती के लिए। तो ये तो प्रोसीडिंग का हाल था। एक और दो चीजें इंटरेस्टिंग और भी हैं कि जब जो शाहनवाज है उसको बाहर जो निकाला गया, तो जाते हुए तो ऐसा कोई सीन हमें नजर नहीं आया, लेकिन जब निकाला गया तो उस वक्त मैंने देखा कि चकवाल से काफी लोग आए हुए थे, उन जो लोग थे वो अयाज अमीर और शाहनवाज दोनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ आवाजें मेरी कान में पड़ी कि कुछ मतलब लोग कह रहे थे शाहनवाज को, जो कातिल है इस केस में, के अल्लाह खैर करेगा उसको, एक दो बंदों ने थापड़ा भी दिया, और मतलब होता है ना कि मतलब वो बंदे कर रहे होते हैं कि ठीक है खैर होगी, ये होगा वो होगा, तो वो थोड़ा सा मतलब गैर मामूली था कि इतना बड़ा क्लियर केस है, इतना बड़ा मतलब एक बच्ची थी वहां से दुबई से यहाँ पे आई और उसको यहाँ पे मर्डर कर दिया गया और ये वो सारी, और उसके बाद बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसके बावजूद कुछ लोग जो है उसकी फैमिली उसके पीछे नहीं आ रही, मतलब शाहनवाज की फैमिली, मतलब मैं अयाज अमीर साहब जो है उनकी फैमिली, तो वो उसके पीछे नहीं आ रही, लेकिन उसके हलके के या वहां के मुकामी लोग जो है वो आ रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं जी खैर होगी, आप बेफिक्र हैं ये वो ना, तो ये थोड़ी सी मतलब मैंने एक सवाल सुना था, किसी साफी दोस्त ने सवाल भी किया था कि शाहनवाज आप शर्मिंदा हैं जो आपने ये काम किया है, इस पे शर्मिंदगी है, जिस पर मुझे मुझे ऐसे लगा उस फुटेज से कि वो मुस्कुरा रहा है उस वक्त भी, ऐसे ऐसे कोई मनाजर थे उसमें? मैंने फुटेज वो इतनी क्लियर नहीं देखी, लेकिन जवाब नहीं दिया उसने इस सवाल का, जवाब नहीं दिया, पूछा गया उसे कि आप शर्मिंदा हैं, तो डेफिनेटली वो कोई जवाब देता, लेकिन जवाब उसे नहीं दिया और बगैर जवाब दिए, और भी सवाल जो है वो काफी देर होते रहे, क्योंकि वो जब बाहर लाए उसको तो गाड़ी जो है वो लॉक थी, और लॉक जो है वो पता नहीं किसके पास था, पुलिस जनाब उधर खड़ी हुई थी और पुलिस जो है वो अब लॉक के लिए बंदा ढूंढ रहे थे, तो काफी देर टाइम मिल गया, तो काफी सवाल उससे किए गए, लेकिन कोई जवाब जो है उसने नहीं दिया। अच्छा, एक और चीज जट साहब, मैं आपको मतलब थोड़ा सा इससे हटके भी पुलिस के रवैये पे भी बात करेंगे, हल्का सा बिल्कुल टच दूंगा मैं, कि पुलिस की मुझे तो समझ नहीं आती कि सुबह 8:30 कोर्ट लगती है, 3 बजे आप 2:30 पेश कर रहे हैं, जज साहब 12 बजे बैठे हुए हैं, 12 से 3 बजे तक 2:30 बजे तक जज साहब इंतजार कर रहे हैं, पुलिस इंतजार कर रही है जी वहां पे जो मौजूद है कोर्ट रूम में, वकील इंतजार कर रहे हैं, साफी इंतजार कर रहे हैं, उनके लोग आए सारे इंतजार कर रहे हैं, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि एक अक्यूज है उसको, मतलब थाना शेजार टाउन जो है वो कोई लाहौर में नहीं है, कोई पेशावर में नहीं है, कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में 20 मिनट का रास्ता है, और पुलिस जो है लाते लाते उसने 2:30 बजा दिए, तो मतलब ये एक रवैया बड़ा अजीब है, मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी को भी देखना चाहिए और जज साहब को तो स्ट्रिक्टली कोर्ट को रखना चाहिए कि यार ये टाइम है, इस टाइम पे आपने लेके आना है, अगर नहीं लाते तो मतलब हर्ज हो रहा होता है ना बहुत सारे केसेस का, तो ये एक बड़ा अजीब सा रवैया मुझे लगा, इस पे मजीद भी हम बोलेंगे। अगर भाई ये मेरा ख्याल, आप अगर वहां पे आवाज उठाएंगे, आप जैसे दोस्त जो साफी जो लोग लीड भी कर रहे होते हैं, वो उन लोगों के कहने पे इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है, मेरा ख्याल है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, पुलिस मीडिया को अवॉइड कर रही होती है और कोशिश होती है कि रश कम हो जाए जब तक हम पहुंचे, शायद ये वजह हो सकती है। आपने इससे कबल नूर मुकदम केस को भी कवर किया है, और एक बड़ी दिलचस्प चीज है, मेरा ख्याल है आपके नोटिस में तो एक एक चीज होती है इस्लामाबाद की, ये दोनों एक स्कूल से पढ़े हुए हैं, हेड स्टार्ट जो इदारा है ये दोनों वहां से पढ़े हुए हैं, जाहिर जाफर और शाहनवाज, दोनों स्कूल एक ही है दोनों का, मादरे इल्मी दोनों की एक ही है। और दूसरा ये कि उस केस को आपने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया था, आप हर चीज देखते थे, आपने उस मुलजम का भी, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, इस मुलजम की भी बॉडी लैंग्वेज देखी, आपको क्या लगता है? यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी जजमेंट आप दें,
लेकिन आपका एक तजुर्बा है, रोज की बुनियाद पर आप लोगों को देखते हैं, रोजाना मुलजमान आते हैं, पेश होते हैं, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। एक बंदा बड़ी हिम्मत वाला चाहिए ना, खाली कत्ल नहीं है, एक गोली मारी और कोई मर गया, ये बड़ा मतलब किसी को इस तरह से दर्दनाक तरीके से मारना, फिर ऊपर पानी छोड़ना और पता नहीं क्या क्या चीजें, अभी तो तफ्तीश में बहुत कुछ सामने आएगा। तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगता है, सिर्फ नशे की हालत में था, कोई गुस्सा था, कोई शरीर नफरत थी, और उसके अलावा जाहिर जाफर और इसके मिजाज के अंदर इनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कोई मुमासलत नजर आती है? जज साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो जहरी सी बात है, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हाई जेंट्री है यहाँ के इस्लामाबाद की, वो जाहिर जाफर भी है और ये भी एक अपर क्लास जिसको आप कहते हैं। तो इसके और उसमें, इसमें मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा कि ये इसका जो जो बॉडी लैंग्वेज है, इसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है। मतलब होता है ना कि आपने इतना बड़ा एक एक कर लिया, काम कर लिया, आपको एक्ट कर लिया, एक मर्डर कर दिया, और एक मतलब अजीब किस्म का आपने काम किया है। और परसों भी जब इनको जो पेश किया गया सैटरडे को, उस वक्त भी और आज भी, मैंने उस बंदे की चेहरे पर कोई दुख नहीं देखा यार, कोई रंज नहीं देखा, मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं देखी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने उसको देखा कि वो हंस रहा हो, लेकिन होता है ना कि बंदे के उस चेहरे से पढ़ते हैं आप कि यार ये जो है ना, ये बंदा फील कर रहा है कि उससे कुछ काम गलत हो गया है। तो ये मैंने नहीं देखा। मतलब इवन अगर सवाल हो रहा है, बड़ा डायरेक्ट सवाल है कि आप शर्मिंदा हैं, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा बंदा। तो आप इससे मेंटेलिटी आप देख लेना कि आपने वो बंदा कन्विंस्ड है कि जो उसने किया सही किया। हाँ, आप जो है वो एक 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 हस्ती बस्ती, मतलब एक एक लड़की है, आपने उसकी जान ले ली यार। मतलब क्या था, जो मर्जी हो जाए, किसी को मारने का हक तो नहीं है आपको ना, ना आपके पास कोई लाइसेंस है। तो ये एक इसके चेहरे पे इसकी मैंने वो चीज देखी है। अब आते हैं जाहिर जाफर पे। जाहिर जाफर जो है ना, वो ज्यादातर जो है वो ड्रामे करता रहा शुरू में, क्योंकि बड़ा हीनियस क्राइम इस लिहाज से था कि वो वहां पे उसने उसकी वो जो गर्दन अलग की हुई थी, वो उसके असरात तो डेफिनेटली होते हैं, जितने बड़े आप वैश्य भी हो। तो वो वहशत जो है ना, वो जाहिर जाफर के चेहरे से टपकती थी, नजर आती थी। मतलब पुलिस के 4-6 जवान उसको पकड़े होते थे जब लाते थे शुरू में, बाद में भी, लेकिन शुरू में ज्यादा था। तो जो वहशत थी, जो मतलब वो चीज जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां उसको वो था, लेकिन वहशत उसके चेहरे से टपकती जब उसको लाते थे। और वो मतलब अजीब किस्म की ड्रामेबाजियां भी करता था। उसका जो है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी। और इसकी बॉडी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि यार अजीब कोई रंज खाओ दिल, मतलब होता है कि वो नहीं है, होता है कि अदालत के सामने ही बंदा कह देता है। इवन यार वो जो है ना, वो मीडिया पे 1000 बातें उसने की, कोई चीज एविडेंस नहीं बनी। मतलब जो प्रोसिक्यूशन है उसने बतौर एविडेंस उसको नहीं लिया, उसने ऑन रिकॉर्ड माना हुआ है कि मैंने वो किया हुआ है, लेकिन बतौर एविडेंस उन्होंने नहीं लिया। तो आप अगर ये बात कर भी देंगे तो कल ये तो नहीं होगा कि आपका वो बतौर उसके एक सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूशन ले जाएगी कोर्ट के सामने। तो इसलिए मेरा ये बड़ा अजीब लगा मुझे वैसे, ये इस शाहनवाज के केस में। हिना शाह का रोल आपने अभी तक इस मुकदमे में क्या ऑब्जर्व किया? समीना शाह जो है वो उसने आज पूरी कहानी लिख दी है अपनी पिटीशन में। बिल्कुल, वो उसने जो कहानी लिखी है, मुझे तो उसने भी शॉक में डाल दिया है कि 12:37 को वो कह रही है। अब अर्ली मॉर्निंग उसने लिखा है, 00 आगे 37, तो वो तो 12:37 होते हैं। अर्ली मॉर्निंग 12:37 पे मुझे इन लोगों की रात शुरू होती है। तो 12:37 पे जब उनका बच्चा कह रहा है जी रुक्सती, तो इट मीन इससे एक चीज जट साहब ये निकलती है कि इट मीन की कुछ चीजें चल रही थी कि उस फार्म हाउस 46 फार्म हाउस में कुछ चीजें चल रही थी रात से, कि वो बच्चा कह रहा है कि जी आप उसकी फैमिली से बात करें रुक्सती की, और खातूने खाना सो जाती हैं, और सुबह 9:12 पे कॉल आती है कि वो जो ये उसने कर दिया है। तो मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है, बड़ा अजीब है कि उसी फार्म हाउस में खातून भी थी और इन्होंने इनको पता ही नहीं चला। वहां यकीनी तौर पर उनके कोई खानसामे होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होंगे, बाकी उनके मुलाजम होंगे, कोई ना कोई बंदा तो होगा ना। इस सारे सिनेरियो में कोई एक मिनट का काम भी नहीं हुआ होगा, तो पता ही नहीं चला इनको कि हो क्या रहा है। उसने कहा है जी मैं तो किचन में थी और वहां पे कॉल आई, फिर मैं वहां पे चली गई और वहां पे वो किया।
तो उसका रोल जो है वो आएगा, 3 रोज की उसको जमानत मिली है, तो जमानत मेरा नहीं ख्याल कन्फर्म हो, क्योंकि खातून जो है उसका बड़ा मेजर रोल है और मेजर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन क्या पुलिस प्रोसिक्यूशन जो है उसको अपने विटनेस लिस्ट में रखेगी, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे वैसे, क्योंकि और इसके अलावा एक और शॉकिंग बात यह है कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, मे बी गेट पे हो, अंदर ना हो, अंदर ना हो। अब ये जो है ना केस की जो अगर अगर तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए और खातून भी ये कह जी कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मैं तो किचन में थी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये केस पर एक डंट जो है वो डालेगी, ब्लाइंड मर्डर बनाने की कोशिश है सर। लेकिन ये तो आपके पास सारी चीजें होती हैं, मेरा ख्याल है वो जब नक्शे आपके सामने आएंगे, जो पुलिस ने नक्शा बनाया होगा और जाए जाके चीजें देखी जाएंगी तो इंशाल्लाह सामने आएंगी। उम्मीद है जो सब लोगों के जो जज्बात हैं कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों का ये कहना है कि अगर ज़ाहिर जाफर को सरेआम पांसरी दे दी जाती तो दूसरा वाकया इस्लामाबाद के अंदर तो कम अज़ कम ना होता, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ना होता। लेकिन ये तो अब हमारे अदलिया का निज़ाम है, जिस तरह से भी हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें चलती हैं, इंशाल्लाह होंगी मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी। सागर भाई चूँकि वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, इनसे लम्हा बलम्हा चीज़ें लेकर आपको अपडेट करते रहेंगे। सागर भाई आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।